इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन देखेंगे पैराबोला का। तो हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं ये कोई लाइन है हमारी, ठीक है, और ये है हमारा पैराबोला इस तरीके से। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और ये जो लाइन हमने ली है ये पैरेलल है हमारी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू के। हमने पैरेलल लाइन क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिलता है हमें? जब हम कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कोई पॉइंट है पी ए कॉमा बी, तो ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है। अब ये लाइन एल वन इसके एल टू के पैरेलल है, एल वन इज पैरेलल टू एल टू, तो स्लोप ऑफ एल वन जो होगा वो स्लोप ऑफ एल टू के इक्वल होगा। दैट मीन्स स्लोप ऑफ एल वन आएगा वन के इक्वल, एंड एल वन इज टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला को डिफ्रेंशिएट करके अगर ए कॉमा बी पे हम स्लोप देखें वो वन के इक्वल होना चाहिए। तो ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री के इक्वल। तो अगर हम देखें डी वाई बाई डी एक्स एट ए कॉमा बी, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस थ्री के इक्वल, और ये वन के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स टू ए इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस वन के इक्वल। अब हम देखें ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी ये पैराबोला पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स जो बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए प्लस टू के इक्वल होगा, ठीक है। तो b आ जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू, तो b हो जाएगा वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री। तो यहाँ से b का पॉइंट आ गया ज़ीरो। तो जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट p हमारे पास जो a कॉमा b है वो हो जाएगा पॉइंट माइनस वन कॉमा ज़ीरो। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो हमें इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और एच कॉमा के से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो डिस्टेंस डी इक्वल होता है ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, दैट इज एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पॉइंट इज माइनस वन कॉमा ज़ीरो। तो डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट है वो हो जाएगा माइनस वन माइनस ज़ीरो माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज मोड ऑफ माइनस थ्री अपॉन रूट टू। तो ये हो जाएगा थ्री बाई रूट टू के इक्वल। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा थ्री रूट टू बाई टू। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया थ्री रूट टू बाई टू के इक्वल। सो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने एक लाइन पैरेलल बनाई है और उसको टेंजेंट करवा दिया पैराबोला के, और एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वो पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने और उससे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दैट इज़ थ्री बाई रूट टू या फिर थ्री रूट टू बाई टू। सो दिस इज़ आर आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे।